वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसके सजेशन हमें दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है चाइनीज मीडिया एंड पीपल लेफ्ट स्पीचलेस टू नो दैट एन इंडियन रिपोर्टर कैन स्कूल अमेरिकन स्कॉलर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफी डिसेंट वीडियो है, दो ही दिन पहले अपलोड किया है। एक चाइनीज यूट्यूबर ने जब अर्णब गोस्वामी की स्पीच जो है, जो जिसके बारे में बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में दोबारा देखेंगे उसको, लेकिन वो जो है चाइनीज में ट्रांसलेट करके जब चाइनीज लोगों को दिखाया उस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि मतलब चाइनीज लोगों के क्या रिएक्शन थे। और आपको डाउट होगा कि सच में चाइनीज ही ये कॉमेंट कर रहे हैं इंडिया के बारे में, लेकिन आपको बता दूं कि 100% ऑथेंटिक है और चाइनीज ही ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो हम देखेंगे और चाइनीज यूट्यूबर का क्या रिव्यू था वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, कमेंट सेक्शन में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। You lecture me as an American to an Indian on values, and Professor Kupchan. This is about the West being weak. Professor Kupchan, allow me. What you're seeing is the West organize solidarity against Russia. No. West. No. Professor Kupchan. We're seeing serious sanctions Professor, against Russia. Yeah. Most of the world now, is coming together now, against Professor, Russia. India should get off the fence. Okay. Now I'll tell you something, Professor Kupchan, and I hope that you will allow me a decent response, and then Ambassador Pawan Varma will respond to you. I see John wants to respond to you. First, I'd like to. First of all, with the greatest of respect, Professor Charles Kupchan, you have no moral standing to talk. You are in no position, you as in America, America is in no position to pretend to be the guardian of democracy and human rights. You are the worst perpetrator of atrocities. You, in Barack Obama in 2011, intervened in a nascent Libyan civil war, you know, using the NATO and Arab League partners, prolonging the war for one decade. You launched armed conflict in at least six countries, Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Niger. You carry out drone strikes. You've killed thousands with your drone strikes. You run Guantanamo Bay, but since I listened to you till you completed, you must listen to me. You must listen to me, sir. Sir, you must listen to me. You're dealing with India. We're a big country. We're not your satellite state. So don't lecture us on what we need to do. We're going to look out for yourself. You talk about, you use the phrase geopolitical expediency in place of values. You lecture me as an American to an Indian on values, and you say that we are acting in geopolitical expediency. Allow me to complete, sir. Where were your values when in the first 2 months of the US invasion of Iraq, 7,186 Iraqi civilians were direct casualties of the war? Was that your expediency? Was that expression of your values? Hey mom, मेरा कहना है कि मैंने Indian brothers को कभी इतना पसंद नहीं किया जितना मैं आज करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे किसी अमरीकी प्रोफेसर या स्कॉलर को नाराज करना, क्योंकि वह एक प्रोफेसर और स्कॉलर है तो वो बहुत रीजनेबल है और पावरफुल है और उसके कई रिलेशंस भी हैं, राइट? मतलब पूरे वीडियो को एडिटिंग प्रोसेस तो देखो। क्या लोगों ने ये जाना कि US में इस प्रोफेसर को अभी भी प्रोफेसर कहा जा सकता है? जब आप छात्रों के सामने पोडियम पर खड़े होते हैं और बात करना शुरू करते हैं, तो क्या आप एक व्यक्ति के रूप में योग्य या अयोग्य महसूस करते हैं? अगर अमेरिकन वैल्यूज़ की बात करें, क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि अमेरिकन वैल्यूज़ ने दूसरे देशों में कितनी आपदा लाई है, राइट? बिल्कुल नहीं। अरे क्या आपके पास इराक और सीरिया को देखने का साहस है? तुमने क्या भयानक काम किया? क्या आप में इसका सामना करने की हिम्मत है? और ये US के पूर्व विदेश मंत्री किस तरह की चीज़ है? हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसकी कीमत इराक में 5 लाख बच्चों के लॉस के बराबर थी। मैं सोच रहा हूँ, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, क्या आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि तुम्हारी मौत इसके लायक है? वह ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन वह इराकी बच्चों के सामने ऐसा कह सकता था। अब मानव स्वभाव कहाँ है, मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। और उनमें अभी भी ऐसे बहुत हैं बुद्धिहीन राजनेता जो अभी भी US के बारे में अंधविश्वासी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार के अपने बच्चों को
वही दुर्भाग्य भुगतना होगा। तो जब आप दोबारा बात करेंगे तो मैं आप पर विश्वास करूंगा, अन्यथा आप बिल्कुल विलन हैं। जहां तक चाइना का सवाल है, हम भारत को यूएस के साथ नहीं जाने दे सकते। ये वह लक्ष्य है जिसे हमें हासिल करना है, इसलिए भारत में हमारी प्रगति का बहुत स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री अब उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडिया गए हैं। इसका मतलब है कि जब भी संभव होगा हम चाइना और इंडिया के बीच के संबंधों को करीब लाएंगे और इंडिया को कभी भी यूएस के पास नहीं जाने देंगे। यदि इंडिया यूएस के अधीन आता है तो यूएस बेईमान होगा। जब रशिया की रियासत बड़ी मदद नहीं कर पाती है तो वे चाइना को नियंत्रण करने के लिए यूरोप को लामबंद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि इस समय आशियन दबाव ना झेल पाए, इसलिए यूएस की रशिया के समान चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरे शब्दों में, इसलिए हम इंडिया को बहुत विनम्र लगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सांसद के निचले सांसद के अध्यक्ष ने इस बार एक और रिफ्लेक्शन प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने रद्द क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे रशिया पर प्रतिबंध लगाने की यूएस की योजना का पालन करने के लिए भारत को राजी नहीं कर सकते। वे भारत को मनाने में असमर्थ थे, वहां जाने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए ब्रिटेन ने ही यात्रा रद्द कर दी। और फिर चाइना के विदेश मंत्री योजना के अनुसार इंडिया पहुंचे और हमारी यात्रा शुरू की। इसलिए इस संबंध में मैं जो बात व्यक्त करना चाहता हूं वह यह है कि जब तक हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तब तक इंडिया के यूएस में पूर्ण रूप से स्थानांतरित होने की संभावना लगभग शून्य है। तो सबसे पहले एना चेन ने लिखा है कि इंडियन लोग ये डिबेट देख के बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और जर्नलिज्म की ऐसी हाई क्वालिटी ने चाइनीज लोगों का भी दिल जीत लिया। आई लाइक दिस होस्ट सो मच। उन्होंने जो बोला वो दुनिया के 90% लोगों की दिल की बात है। उसके बाद काइचक चुन ने लिखा है कि किसी भी चाइनीज टीवी होस्ट में इतना ऑडेसिटी, करेज और राइटियसनेस नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो किसी भी चाइनीज रिपोर्टर के में उतना दम नहीं कि वो यूएसए को उसके मुंह पे रख के झाड़ दे। एक देश का मीडिया ही उसका बैकबोन होता है और इंडिया के पास वो है। उसके बाद किनवाई एनजी ने लिखा है कि ये बहुत रेयर है जब किसी रिपोर्टर को ऐसे खुलेआम क्लियर कट फैक्ट्स बताते देख रहा हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहे, आई हैव टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, ही हैज इंडीड स्पोकन द ट्रूथ। उन्होंने वो सच कहा जो कि मेजोरिटी देश कहना चाहते हैं जिन्होंने इन इंपेरियलिस्ट यूएसए के हाथों सफर किया है। उसके बाद सी नाइचुन ने लिखा है कि आज मैंने ये डिबेट देखा और इसको मैंने काफी एंजॉय भी किया, अब तो मुझे इंडिया बहुत पसंद आने लगा है। उसके बाद एम क्वीन ने लिखा है कि ये सच में अनबियरेबल है कि अमेरिकन्स हमेशा खुद को मॉरल हाई ग्राउंड्स में रखते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसा या फिर इससे भी कई ज्यादा बदतर चीजें की ना हो। और हालांकि इस इंडियन होस्ट ने इतने सारे एविडेंसेस दिखाए लेकिन फिर भी इन अमेरिकन स्कॉलर्स की बेशर्मी तो देखो, वो फिर भी रिफ्यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद लीन वॉल्टर ने लिखा है कि इंडिया इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और चाइना को इससे सीखना चाहिए। होस्ट ने बिल्कुल वही कहा जो उसके दिल में था। थैंक्स कि इंडिया की जो पोजीशन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो इंडिया ने खुद तय किया है और रशिया के साथ उनकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। उसके बाद ऑड्रे ने लिखा है कि इंडिया ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स के सामने झुकी हुई है और उनके इशारों पे चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन होस्ट ने खुले आम सारे टिपिकल और क्लासिक यूएसए के क्राइम्स को उनके सामने गिनवा दिया और उनकी पोल खोल के रख दी। इंडिया हैज सच अमेजिंग पीपल। इंडिया सच में एक बड़ा और ताकतवर देश है। उसके बाद मेलिस ने लिखा है कि हम सारे चाइनीज दिल की गहराई से इस होस्ट को एक बड़ा सा लाइक देते हैं। उसके बाद आई एम ब्रदर जियान ने लिखा है कि देयर इज अ रीजन कि इंडियंस को बहादुर कहा जाता है, आई अप्लॉड हिम। उसके बाद लेजी ने लिखा है कि इनको सुनने के बाद आई एम स्पीचलेस। हमारे देश के सो कॉल्ड स्कॉलर्स तो अमेरिका के सामने अपना मुंह भी ठीक से खोल नहीं पाते। उसके बाद फनी चैन ने लिखा है कि इज बेटर टू बी अ कंट्री जिसका एक बैकबोन हो और जो स्वतंत्र हो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फकिंग स्लेव। लॉन्ग लिव इंडिया। उसके बाद डायरेक्टर तियान ने लिखा है कि टू बी ऑनेस्ट इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इसीलिए इंडिया बहुत एक्सपीरियंस्ड है सही और गलत को परखने में, विच मेक्स मी ऑस्ट्रक। अच्छे प्रिंसिपल्स को अपनाना तो आसान है लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है और इंडिया ने वो कर दिखाया है। उसके बाद ई चू ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा ताकतवर देश है कि उसके पड़ोसी देश उससे डरते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया और रशिया के दोस्ती के बारे में बात करें तो दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दीज टू ब्रदर्स डिजर्व्स ऑल द प्रेजेस। इन दोनों भाइयों को दिल से रिस्पेक्ट है। उसके बाद ईसाया ने लिखा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सेंसिबल है और इसका एग्जाम्पल और भी एक बार इस होस्ट को देख के मिला। ही स्पीक्स रैशनली विथ नो रिस्ट्रेंट्स। अब बताओ चाइना में कितने ऐसे दलेर लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका ही कमेंट का एक हिस्सा है जो उन्होंने कहा। उसके बाद क्विंग फेंग सियाओ ने लिखा है कि जरा हमारे देश के रिपोर्टर्स को तो देखो,
ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, मुंह ही नहीं खुलता। दिस इंडियन होस्ट रियली हिट द नेल ऑन द हेड और अमेरिकन्स की बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों आज मैं कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अर्नब गोस्वामी जी की मैं बात करूं तो मैंने वैसे उनके इतने ज्यादा क्लिप्स नहीं देखे, बहुत कम चंक्स मैंने देखे हैं जो उनके बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, लेकिन वो कुछ जगहों पर जब बोलते हैं ना तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं। वेल, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी गौरव को, बिकॉज उनकी वजह से वी हैव सीन सच अ फायरी डिबेट। इतना मजा मुझे आ रहा था सीरियसली, वो वाला एक वर्ड बोले को दिल कर रहा है धो डाला, वो जो हम लोग देखते हैं ना प्रोग्राम उसमें एड्स में देखते हैं, धो डाला खत्म कर डाला बस टाटा बाय बाय। हैट्स ऑफ के जिस तरीके से उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया है ना, बहुत मजा आया, और उन्होंने उनको बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि उनके सामने सही से फैक्ट्स और फिगर्स थे जिनको वो डिस्कस कर रहे थे। और उस टाइम पर मैं ये चीज मतलब एक रियलाइज कर रही थी कि जो प्रोफेसर थे ये चीज उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी कि वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और वो इसको मे भी अपने अंदर मतलब कि एक होता है ना कि आप अपनी इंसल्ट फील कर रहे हो कि हम लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि एक सुपीरियर वाला हम लोग को नजर आता है कि वेस्ट के जो लोग हैं वो हमेशा, अगर हम अमेरिकन की भी अगर बात करें तो उनमें ये चीज है कि रेसिज्म हमें वहां पर बहुत नजर आता है। इसमें तो कोई शक नहीं, वहां पे आपको रेसिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इवन के कई इंसिडेंट इस तरह के हैं जो आपको इनके भी रिसेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं, आपको इतने इंसिडेंट वहां पे रेसिज्म को देकर जो है लेकर देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं बात करूँ अमेरिका की, तो अमेरिका ने अगर पूरी दुनिया में देखे तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्हें जो है उसने तबाह कर दिया, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिसे तबाह करने की कोशिश की भी जा रही है। उनके अगर मॉरल वैल्यूज के हिसाब से बात करें ना, तो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है उनका मॉरल वैल्यू यही है कि दूसरों को कैसे बर्बाद करना है। बिल्कुल, और जब आपके सामने कहते हैं ना कि जो आपने आईना दिखा दिया जाता तो उसके बाद फिर आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अमेरिका की एग्जाम्पल उसी तरह है। लेकिन मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि अब जो एक हम कहेंगे ना कि दुनिया का जो एक बाकी जियो पॉलिटिक्स का वेदर मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और स्पेशली जिस तरीके से जो चाइनीज जो ब्लॉगर हैं जिन्होंने वीडियो पर रिएक्ट किया है और उनकी बातें सुनने के बाद और जो चाइनीज लोग हैं उनकी कमेंट्स पढ़ने के बाद, मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर वाकई में चीजें जो हैं वो अच्छे तरीके से बाकी लोगों को भी बताई जाएं एक दूसरे के कंट्रीज के बारे में, और लोगों को ये राइट दिया जाए कि आप खुद सोचने के काबिल होंगे कौन बंदा कहां पर सही है कहां पर नहीं सही, बजाय इसके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ अपने मकसद के लिए लोगों को लड़वाएं या उनको लोगों के बीच में गलत फहमियां पैदा करने दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेंगे जो वहां पर लोग खुद डिसाइड करेंगे कि भाई हमें किसके साथ किस तरीके से रहना है। इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों के बीच में जब डिबेट कराते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती हैं जो जिन सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे होते हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं, वरना मोस्टली जो है ना जिंदगी में इंसान इसी चीज में घूमता रहता है कि भाई सवाल का जवाब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे बात की के जो मीडिया होता है जो चाइनीज ब्लॉगर थे उनकी मैं बात करने लगा, उन्होंने बात की कि जो मीडिया था वो एक बैकबोन होता है कंट्री का, तो नो डाउट इस पे भी हकीकत है कि मीडिया जो है उसे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम समटाइम्स मीडिया को देखते हैं कि कोई चीज नहीं होती लेकिन उसे जो है बहुत ज्यादा जो है वो जो है हाईलाइट करके बहुत ज्यादा उसे जो है ना वो फैला देता है। कौन सा आपको हर जगह नजर आएंगे उस चीज से, तो मैं मानती हूँ ये सिर्फ एक जगह के मीडिया का नहीं है, आपको हर कंट्री के मीडिया में ये चीजें जो है वो नजर आएंगी, लेकिन उन चीजों को फिल्टर करना अब हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने मकसद के लिए जिस तरह से लोगों को इस्तेमाल करना चाहा लोग उसी तरीके से उसी साइड पर चलते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लोग अवेयर हैं कि हम लोगों को किस तरीके से चलना है। बट यहाँ पर सीरियसली मुझे अभी भी जो हमारे अपने लोग हैं हमारी कंट्री के लोग उनसे मुझे थोड़ा शिकवा ये है कि वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नहीं सोते। अभी मैं चाइनीज लोगों की बातें सुन रही थी वो किस तरीके से खुल के तारीफ कर रहे थे, और जिस तरीके से अर्नब सर ने मतलब वाकई में बात की मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक किसी ने इस तरीके से फेस टू फेस इस तरह की डिस्कशन आपको सुनने को मिली हो, जहां पर अमेरिका को अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत टफ टाइम उन्होंने दिया है, मतलब कि उनको बोलने के काबिल नहीं छोड़ा
कि अब वो क्या उस पर बात करें। अब ढीठों की तरह अगर आप ये बात करते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, तो वो देखने वाले को नजर आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन चाइना को भी ये चीज मुझे लगता है कि समझ में आ चुकी हुई है कि इंडिया के बगैर चाइना भी प्रॉस्परस नहीं कर सकता उस तरीके से। आपको मिलकर चलना होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों देशों की अगर हम बात करें तो इन दोनों की पॉपुलेशन अगर हम लोग मिला लें तो आधी दुनिया तो यही बन जाती है। सही बात तो है। अगर देखा जाए तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और रशिया को लेकर जिस तरीके से सैंक्शन उस पर लगती है और अमेरिका जिस तरीके से बाकी देशों को भी बोलता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कंट्रीज जिनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि उनको प्रेशराइज करके तो इस तरह के स्टेटमेंट्स दिलवा दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस उन लोगों को उन कंट्रीज को ये चीज भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से इंडिया काउंटर कर रहा है या चाइना किस तरीके से गेम प्ले कर रहा है अपने लोगों के फायदे के लिए, अपनी कंट्री के लिए। क्योंकि अगर वैसे चाइना की बात करूं तो क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो एक आपको नजर आएगा कि वो अपने लोगों को किस तरीके से एक ही चीज में इंगेज करता है। बट आज के जो कमेंट सेक्शन थे, मैं ये बात सोच रही थी कि अगर वो जो बाहर का मीडिया है उसको अलाउ करता है अपनी कंट्री में, तो उनके लोगों की भी जो सोच है वो बहुत आपको चेंज नजर आएगी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर मैं बाहर के मीडिया की बात करूँ ना, तो नो डाउट वो जो है वहां के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, लेकिन पूरी दुनिया की खबरें वो चलाता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जहां पर मीडिया नहीं भी कंट्रोल, यानी कि अगर जैसे हम लोग देखें यूट्यूब है हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए हमारे लोगों के लिए क्या फायदा। पता नहीं हम लोग अभी किस तरह के कैओस में फंसे हुए हैं कि अभी तो यहाँ पर चीजें जो है वो मुझे लगता है कि लोगों की समझ में ही नहीं आती कि इस साइड पर भी हम लोगों ने सोचना है, या एक स्टेटमेंट कोई अगर पॉलिटिशियन दे देता है तो वो उसका पता नहीं लिटरल मीनिंग लेकर उसको अपनी इंसल्ट समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लीडर्स हैं जिन जो भी बात करते हैं, अगर वो आपकी मतलब आपको अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे होते हैं, तो लोगों को उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए रादर देन कि आप उस चीज के पीछे पड़ रहे हो कि इन्होंने हमें कहा तो कहा क्यों। क्योंकि अगर आपकी पोजीशन वो रहेगी दुनिया में, यानी कि अगर आपकी पोजीशन जो है ऐसे वाली है, तो आपको सारे जो है ट्रीट भी ऐसे वाला ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से लोगों को बहुत समझदार होना चाहिए। वेल, ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और जरूर बताइएगा कि आप लोगों से ये वाली डिबेट किस किस ने देखी थी, और आप लोगों का एक मतलब क्या उस टाइम पर रिएक्शन आया था जब आप यू नो नॉर्मली बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स देखते हैं लेकिन सोचा नहीं होता कि एकदम से इतनी हीटी डिबेट होना शुरू हो जाएगी। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं जल्द मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।